अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफा, जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से रेसिपी जिसका नाम है मटन रारा। वैसे रारा का मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि भूनना, जितना भूनोगे ये रेसिपी, ये डिश उतनी ही मजेदार बनती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटन रारा बनाते हैं आज का। चलिए, ये है 750 ग्राम मटन। इसकी चर्बी निकाल ली, दो तीन पानी से धो के नितार के एक पतीली में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 1.5 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वैसे मैं 1.5 डाल रही हूँ, आप कम भी डाल सकते हैं। आधा छोटा नींबू का रस, आप कम या ज़्यादा ये भी अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। और अब मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर कर। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे मैरिनेट करने आधे पौने घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो ढक कर फ्रिज में भी रख सकते हैं या आप चाहें बाहर रख दें। कुकर को फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच असली घी के और थोड़ा सा तेल। आप चाहें तो पूरी तरीके से तेल भी ले सकते हैं या पूरी तरीके से असली घी भी डाल सकते हैं, बट मैं दोनों डाल रही हूँ। अब इसमें डाल दीजिए 2 तेज पत्ता, 3-4 काली मिरी, 3-4 लौंग, 1 दांडी दालचीनी की, 3-4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1/2 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा। ये सारा डालकर इसे तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ आप 1/2 किलो प्याज छूंदा करके डाल दीजिए, बारीक काटी हुई डालिएगा। और इसे डालकर आपने फ्राई करना है। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक हल्की सी लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो, तब तक इसे थोड़ा समय लगेगा बेशक। साइड पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर बारीक बारीक काट कर रखे हैं। और ये है ना 250 ग्राम मटन है, हाथ का कूटा हुआ है, और ये भी इसमें डाला जाएगा। तो धोकर नितार कर साइड पर रखिएगा, लेकिन हाथ का कूटा हुआ ही होना चाहिए। मशीन का लोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा आपको। चलिए ये देखिए, प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हुई है, आप देख सकते हैं, और हल्की हल्की हुई है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ टमाटरों को बारीक काट कर, छील निकाल दी है वैसे इसकी, और मिक्स कीजिए। और इसे आप ना तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पर या फिर फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं टमाटरों को फ्राई करके, तो मैंने चूल्हा स्लो कर दिया। और इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, वैसे जो जो डालते जाएंगे हम वो भूनते जाएंगे 4-5 मिनट तक। अब डाल दीजिए 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच या 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1.5 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, 4 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर। और ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 1/4 कप जितना मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, चिटक ना जाए ना मसाला। और इसे मीडियम आंच कर दीजिए और इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ये मसाले को भूनिए। 4 से 5 मिनट में बार बार आप चलाते रहिए, वहीं खड़े रहिएगा। हाँ चलिए, 4-5 मिनट हो चुकी है मसाला भून के, आप देख सकते हैं चूल्हा मीडियम पर ही है। तो अब मैं यहाँ ये कीमा जो मैंने हाथ से कूटा हुआ लिया है, यहाँ प्लीज कोशिश कीजिए, मैं फिर से कह रही हूँ कि मशीन का मत लीजिए, हाथ से कूटा हुआ लीजिए। और ये मैं बिस्मिल्लाह बोलकर इसमें डाल देती हूँ, और इसे भी मीडियम आंच पर आपको पता है क्या करना है, भूनना है 5 मिनट तक। चलिए फिर इसे भूनते हैं। जैसे मैंने कहा, बार बार चीजें डालते जाएंगे हम और 5-5 मिनट तक भूनते जाएंगे। चूल्हा आपने देखा मैं मीडियम पर ही रखी हूँ और आगे भी मीडियम पर ही रहेगा, उसी हिसाब से आप बार बार चीजें डालते जाएं और भूनते जाएं। मसाला भून के 5 मिनट हो गया है, आई मीन ये कीमे को भून के। तो अब मैं ये जो मटन को मैंने मसाला लगा के रखा था वो डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह, सारा मसाले के साथ डालिए। हाँ, और इसे भी मिक्स कीजिए और भूनिए। तकरीबन आपको पता है 5 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनना है।
चलिए अब बटन भी डाल के अच्छे से भून लीजिए, लेकिन वहीं खड़े रहिएगा और बार बार इसे चलाते रहिए। जब अच्छे से 4-5 मिनट हो जाती है, मुझे थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर कम लग रहा है तो यहाँ मैं डाल देती हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। और यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ 3/4 कप गाढ़ी दही, मैंने फेंट के रखी थी, ये सारी डाल दीजिए, इसे भी मिक्स कीजिए। और आपने पता है क्या करना है, मीडियम आंच पर इसे बार बार चलाते रहिए और 4 से 5 मिनट तक इसे भी भून लीजिए। नमक भी एडजस्ट कर लीजिए, मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है क्योंकि मैंने कीमा भी डाला आपने देखा, तो उस हिसाब से कीमे के बाद का भी नमक डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। और जब 4 से 5 मिनट हो जाती है दही को भूनने के बाद, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 कप पानी डाल दीजिए। वैसे ये जो मटन को मैंने मैरिनेट करने रखा था ना, उसमें चला कर डाला है। हाँ चलिए, इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसका ढक्कन लगा दीजिए और फास्ट आंच पर सीटी खिला लीजिए। तकरीबन 1-2 सीटी खिला लीजिए फास्ट आंच पर, जब 1-2 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके 12 से 15 मिनट इसे धीमी आंच पर पकने दीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने गोश्त गलाने रख दिया है 12 से 15 मिनट में स्लो आंच पर, तो अच्छे से गोश्त गल जाएगा कुकर के अंदर। फर्ज करो अगर 12-15 मिनट के बाद आप खोलकर देखते हो कुकर का ढक्कन खोलकर और आपका गलता नहीं है गोश्त, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पानी डाल के फिर से थोड़ा सा देर गलाने रख दीजिएगा। अब यहाँ गोश्त पर डिपेंडेंट होगा, हाँ, कि आपका गोश्त कौला है तो जल्दी गल जाएगा, और अगर आपका गोश्त ज्यादा सख्त है और थोड़ा सा कभी कभी जो ये वाले गोश्त होते हैं कुरबानी, ये कभी कभी समय लेते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, तो थोड़ा पानी डाल के उसे गलाने रख दीजिएगा। अच्छा, आप चाहें तो कुकर की बजाय आप पतीली में भी बना सकते हैं, प्रोसीजर वही रहेगा। पानी जब आप डाल देते हैं 1.25 कप के दरमियान, उसे एक उबाल खिला दीजिए, स्लो आंच रख दीजिए और नॉर्मल ढक्कन ढक कर उसे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए पकने दीजिए। अब यहाँ पर भी अगेन आपके गोश्त के ऊपर डिपेंड होगा, आपका गोश्त कौला होगा तो 1/2 घंटे में गल जाएगा, या फिर अगर थोड़ा सा सख्त होगा तो वो 1.25 घंटे में गलेगा। तो आप 1/2 घंटे के बाद बार बार चेक करते जाइएगा, उस हिसाब से आप आगे रख सकते हैं गोश्त को, ठीक है ना। 15 मिनट हो चुकी है, चूल्हा कर देती हूँ मैं बंद और कुकर अच्छा ठंडा हो जाए उसके बाद खोलकर चेक कर लीजिए। अच्छा, अगर नहीं गला हो इस समय आपका गोश्त, तो आप क्या कीजिए, इसे फिर से थोड़ा सा पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगाकर फास्ट आंच पे 3-4 सीटी खिला लीजिए, या तब तक पकाए जब तक गल नहीं जाता। अच्छा, मैं चेक कर लेती हूँ, ये देखिए मेरा ये मटन जो है बहुत ही अच्छे से हो गया है, मटन हो गया है मतलब कीमा आराम से हो गया है। मैं चूल्हा कर देती हूँ चालू मीडियम आंच पर, इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, हरा धनिया, थोड़ी सी तीखी वाली नहीं लाइट मिर्चियाँ जो आती है वो वाली डाल दीजिए बारीक कटी हुई, थोड़े से अदरक के पीसेस डाल दीजिए बारीक कटे हुए लंबे लंबे पतले पतले। अच्छा, आप चाहें नमक चख लीजिए, एडजस्ट करने जैसा तो लगे नमक एडजस्ट कर लीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, मुझे प्रॉपर लग रहा है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, 1/2 या 1 टीस्पून जितना डाल सकते हैं। चलिए, एक उबाल आ जाने दीजिए, जब एक उबाल आ जाता है तो धीमी आंच करके इसे 2-3 मिनट पकने दीजिए। जब 1 से 2 मिनट हो जाते हैं सिमर होके, तो इसका चूल्हा कर दीजिए बंद, गैसकेट निकाल के ढाकिएगा। हाँ चलिए, फिर से मैंने थोड़ी गर्म पे रख दिया था क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद मैं अभी निकाल रही हूँ, थोड़ा हल्का ठंडा हो गया होगा। बस चलिए, इसका चूल्हा कर देती हूँ बंद। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसी कोई खास वैसी रस्सेदार वाला नहीं रहता है। हाँ, तो आप देख सकते हैं तेल और जो घी है वो भी कितना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर आ गया, और ये थोड़ा सा हल्का सा कलर में डार्क ही रहेगा क्योंकि हमने इतना भुना है ना इसे, तो भुनने पर वो इतना डार्क ही दिखेगा आपको। ये देखिए, आप देख सकते हो, और माशाल्लाह तेल भी देखो, तेल और वो घी कितना बढ़िया सा आ गया, और आप देख सकते हैं कि ऐसा गाढ़ा गाढ़ा टाइप है, ऐसा ही रहना चाहिए। और आप देख सकते हैं हमारा कीमा भी दिख रहा है, विजिबल है, देख सकते हैं आप, चंक्स दिख रहे होंगे आपको, राइट। तो ये ऐसा ही होना चाहिए। फिर से बोल रही हूँ कि आपको क्या वाला, कौन सा वाला लेना है, आपने हाथ का कूटा हुआ कीमा लेना है। चलिए क्विकली मैं डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़िया सा हमारा एकदम मजेदार सा मटन रारा बन चुका है, गर्मा गर्म मैं इसे सर्व कर रही हूँ।
सर्विंग बाउल में निकालें तो थोड़ी सी कोथमीर ऊपर से डाल दीजिए बारीक कटी हुई, और इसे गर्मा गर्म रोटी पराठा फुलका बटर नान रुमाली रोटी किसी के साथ भी सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और कुछ मटन की रेसिपीज भी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, बढ़िया सी मजेदार सी, वो भी चेक कर लीजिए, उनके सारे के लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आप मशीन का पीसा हुआ कीमा लेते हैं तो जब आप इस समय खाते हैं ना तो पता नहीं चलता है कि कीमा भी डाला हुआ है और ना ही आपको टेस्ट उतने हिसाब से आएगा क्योंकि वो बारीक बारीक चंक्स होते हैं। लेकिन जब आप हाथ का कूटा हुआ डालते हो तो उसमें मोटे मोटे चंक्स इस समय दिखते भी हैं और खाने में मुंह में आते हैं तो पता चलता है कि आपने कीमा डाला है और मेहनत की है रारा बनाने में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपको पता है आपको ये रेसिपी लाइक करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अच्छा, अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, भूलिएगा मत, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार मज़ेदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन एंजॉय मटन रारा मज़ेदार साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज बनाते हैं बकरी स्पेशल, आप आड़े दिन भी बना सकते हो। आज की रेसिपी है मटन कोफ्ता ग्रेवी, बहुत ही मजेदार झटपट आसानी से घर पर बन जाती है। चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी क्विकली विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक चॉपर के अंदर सबसे पहले मैं हरी मिर्चियाँ डाल रही हूँ, मैं दो डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। धोई हुई नितारी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया है वो भी डाल दीजिए। मैंने थोड़े से 5-6 कली लहसुन की ली है, बड़ी पीसेस हो तो आप दो ही डालिएगा। अच्छा, ये है मटन, 250 ग्राम मटन है, बोनलेस है, इसकी मैंने चना बूटी की है और आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसके ऊपर चर्बी लगी हुई है। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं बट मैं हमेशा यहाँ पर ये बोनलेस ही लेती हूँ। इनमें मसाले डाल देते हैं, आधा छोटे का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटे का चम्मच भुना और दरदरा पीसा हुआ धनिया, साबुत धनिया, आप चाहे तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा छोटे का चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटे का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटे का चम्मच नमक डाल दीजिए, अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा, आधा छोटे का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 छोटे का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला, आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। एक ब्रेड को मैं इस तरीके से पीसेस करके डाल रही हूँ, आप चाहे तो एक ब्रेड को पानी में थोड़ा सा डिप कर लीजिए, अच्छा निचोड़ कर फिर डालिएगा, मैं नॉर्मली ही डाली हूँ। ये 2 टेबलस्पून बिरिस्ता है, प्याज का बिरिस्ता, थोड़ा सा फैट था तो मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून घी डाला है, असली घी, आप तेल भी डाल सकते हैं या मक्खन भी डाल सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, अब इसे ढक कर बहुत ही अच्छा इसे पीस लीजिए। अच्छा, पीसना ऐसा है ना कि जैसे हम सीख कबाब के लिए कैसे करते हैं, एकदम टेक्सचर आपको लगता है कि घुल चुका है और एक दूसरे में एम्बाइब हो चुका है, वैसा पीसना है हमें। अच्छा, मैं यहाँ खोलकर देख रही हूँ ना तो थोड़ा सा मुझे मॉइस्चर लग रहा है, तब मैं यहाँ एक ब्रेड फिर से पीसेस करके डाल रही हूँ। अगर आपका ये समय एकदम घुल चुका है तो आप 2 ब्रेड मत डालिएगा, एक ही डालिएगा, बट मुझे यहाँ 2 ब्रेड लगे। चलिए, इसे बहुत अच्छा मैंने पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, और अब इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए, बीच में इसके स्पेस कर दीजिए, एक स्टील की वाटी रख दीजिए या फॉइल पेपर की वाटी बना के रख दीजिए, उसमें गर्मा गर्म कोयले को रख दीजिए, तेल डाल दीजिए क्विकली या घी या मक्खन डालकर इसे क्विकली ढक कर इसके ऊपर कुछ वजन रख दीजिए और 2-5 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए, आप चाहे तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। चलिए, 4-5 मिनट हो चुकी है, मैं ये हटा देती हूँ और कोयले को फेंक दीजिए, प्याली को साइड पर रख दीजिए। सबसे पहले एक बार मिक्स कर लीजिए मिक्सचर को, और अब है ना यहाँ साइड पर जो तेल रखा है उसकी मदद से मैं इक्वली डिवाइड कर लेती हूँ ये कीमे को। मैं बना रही हूँ समझिए ना 10 से 11 कोफ्ते, आप आपके हिसाब से बड़े बनाने चाहें तो आप बड़े बड़े बनाइए तो कम बनेंगे, मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ तो ज़्यादा बन रहे हैं। तो अब बस उसे हाथों को थोड़ा सा तेल की मदद से ग्रीस कीजिए और इस तरीके से बॉल बना लीजिए। तो ये हो गया हमारा एक कोफ्ता, इसे साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे कोफ्ते बना लीजिए। तो चलिए, सारे बन चुके हैं ये आप देख सकते हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं
देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मेरे गुलाब जामुन की तरह लग रहे हैं। वैसे गुलाब जामुन की भी रेसिपी है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ चेक कर लीजिएगा। चलिए अभी हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए और फास्ट आंच पर गरम कर लीजिए। तेल अच्छा गरम हो जाए चूल्हा कर दीजिए मीडियम आँच और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारे मटन के कोफ्ते डाल दीजिए। आप चाहें तो दो बैचेस में डाल सकते हैं, मैं एक ही बैच में बना रही हूँ लेकिन आप दो बैच में बनाइएगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ सेकेंड्स के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। जब कुछ सेकंड्स के बाद आप एक बार चला लीजिए चम्मच से या फिर ऐसे ही पतीली जैसे मैंने किया है वैसा कर लीजिए, तो पता चल जाएंगे कि कुछ चिटक विटक नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई फूट नहीं रहा है। तो मैं तो बाकी के सारी भी डाल रही हूँ इसी के अंदर। और हमारा मकसद यहाँ ये है ना कि उलट पलट करते हुए इन्हें चारों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन आए तक पका लें। हमें पूरी तरीके से पकाना नहीं है, हम बस लाइट गोल्डन ब्राउन इसकी कवरिंग कर रहे हैं सो दैट खाने में और ज्यादा टेस्टी लगे। तो चलिए ये सारे हो चुके हैं, चारों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं निकाल कर इन्हें साइड पर रख देती हूँ। चलिए ये देखिए सारे बन चुके, कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं और माशाल्लाह 250 ग्राम में 11 बन गए हैं कोफ्ते, बढ़िया सी बात है। चलिए इन्हें साइड पर रख दीजिए। सेम वही पतीली के अंदर से तेल थोड़ा निकाल लीजिए। अब इसमें गर्म मसाले डाल दीजिए। 1/4 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा, एक डांडी दालचीनी की, 2 हरी इलायची, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च और 1 तेज पत्ता। ये सारों को तेल के अंदर डाल दीजिए और तड़तड़ा जाने दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब तड़तड़ा जाए ये सारे गरम मसाले तो यहाँ पर डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। ये टमाटर है एक मीडियम साइज का, मैंने पीस के रखा है। चूल्हा मैंने स्लो पर करके भून रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो गया था, आप मीडियम पर भी रख के कर सकते हैं। चलिए ये अच्छा भुना गया है तो मैं यहाँ टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ। एक मीडियम साइज का टमाटर था ये। सबसे पहले टमाटर के पेस्ट को मिक्स कर लीजिए, चला लीजिए, चूल्हा स्लो पर ही रहने दीजिए। आप डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1.5 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। वैसे ये वाली जो है ना धनिया वाली आधी छोटी चाय की चम्मच है, इसके लिए मैं 3 बार डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं 3/4 छोटी चाय का चम्मच ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप कम डालिएगा। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू करके इसे चला लीजिए और अब हमें भूनना है ये मसाले को। यहाँ पर मैंने साइड पर 1/4 कप पानी डालकर रखा है हाँ मिक्सर जार के अंदर। चूल्हा मीडियम मैंने कर दिया, इसे थोड़ी देर आधे एक मिनट तक भून लीजिए। जब तेल छूट जाए और तेल ऊपर आ जाए और मसाला थोड़ा भून जाए तो ये पानी डाल दीजिए यहाँ पर जो साइड पर रखा है 1/4 कप वाला, और इसे भी मिक्स कर लीजिए और इसमें हल्का सा उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आता है तो ढक कर स्लो आंच पर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। ये है 1/4 कप जितना बिरिस्ता, इसे मैं बारीक पीस लेती हूँ मिक्सर जार के अंदर डालकर। चलिए ये 3-4 मिनट हो चुकी है, तेल आप देख सकते हो ऊपर आ चुका है। तो ये जो बिरिस्ते का मैंने अभी पेस्ट टाइप बनाया है बिना पानी डाल के बनाया है हाँ, तो ये डाल देती हूँ मैं सारा इसके अंदर और इसे एक बार चला लीजिए और फिर से ढाक कर स्लो आँच पर दम पर रहने दीजिए। तब तक तेल नहीं छूट जाता, जब तक जब 2-3 मिनट हो जाए और तेल छूटने लगे, तेल छूट जाए तो फिर से 1/4 कप जितना पानी मिक्सर जार के अंदर डालिए जिसमें हमने बिरिस्ता पीसा था उसके अंदर डालकर चलाकर इसमें डाल दीजिए। एक बार चला लीजिए सालन को स्लो आंच पर, ढक कर इसे फिर से दम पे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। चलिए 2-4 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं तेल छूट गया है। चूल्हा मैं मीडियम आंच पर कर देती हूँ और 1/4 कप जितनी दही डालिए और क्विकली इसे बार बार चलाते हुए दही को मिक्स कीजिए। इतना मिक्स कीजिए आधे एक मिनट तक कि कोई गुठलियाँ ना रहे हाँ और कुछ ऐसा कटल अपना हो जाए, बस इसी के लिए हमें मिक्स करना है मीडियम आंच पर। जब अच्छे से मिक्स हो जाए और 1 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक दही भून नहीं जाती और तेल नहीं छूट जाता। चलिए 3-4 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है। सारी चीज़ें 2-3 बार मैंने भुनी थी मसालों को, टमाटर भी 2-3 बार भुन चुके हैं, दही भुन चुकी है, चूल्हा मैंने फास्ट आंच कर दिया और यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। पानी आप हिसाब से डाल सकते हैं अपने। अब मैं यहाँ 1/4 कप जितना डाल रही हूँ और एक उबाल खिला लीजिए। नमक वैसे तो डाला हुआ ही था तो मैं एडजस्ट नहीं कर रही हूँ, आपको लगे तो डाल दीजिएगा। अब जब उबाल आ जाए तो ये हमने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे हैं ये सारा डाल दीजिए। जो प्लेट में थोड़ा बहुत भी तेल वगैरह लगा हो वो भी लेके इसमें डाल दीजिएगा और एक बार मिक्स कर लीजिए और स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन 20 मिनट तक दम पर पकने दीजिए।
चलिए 20 मिनट हो चुके हैं और मेन तो हमारे कोफ्ते गलने थे, वो गलने के लिए हमने रखे थे, वो हो चुके। एक बार आप छुरी की मदद से चेक कर लीजिए, एकदम आसानी से चले जाएं, इसका मतलब हमारे कोफ्ते हो चुके हैं। चलिए अब आप नमक चखना है, चखकर अगर एडजस्ट करना है तो कर लीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनी है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, इसे गर्मा गर्म प्याले में निकाल कर सर्व करें, रोटी पराठा फुलका बटर नान किसी के साथ भी। इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो ये बन गए हमारे मटन कोफ्ता करी, मज़ेदार सी चटपटी सी बढ़िया सी ग्रेवी, मुझे परफेक्ट लग रही है। अगर आपको कम लग रही हो तो 1/4 कप जितना पानी गरम करके ग्रेवी के अंदर डाल दीजिए इसके सालन के अंदर, और इसे दम पर स्लो आंच पर 4-5 मिनट पकने दीजिए, और उसके बाद बंद करके सर्व कीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी। आपको अगर अच्छी लगी हो ये रेसिपी तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगर हाँ, अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसे लगी। मुझे फीडबैक्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।